हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। और ये सुबह का टाइम है, लगभग 7 बजे का, क्योंकि आज भव्य का आखिरी पेपर, तो भव्य जा रहा है स्कूल, उसके लिए बना रही हूँ नाश्ता। सबसे पहले मैंने रोटी सेक की, क्योंकि पराठे कोई खाता नहीं है, बस भव्य को स्कूल को ही देने पड़ा, इसलिए सबसे पहले मैंने रोटी सेक कर फिर पराठे बनाए। भव्य के लिए बनाए 2 पराठे। उसके बाद उठाया भव्य को, भव्य सो रहा था। उठने के बाद भव्य ने करा मंजन, मंजन भी कर रहा था और ऐसा करा वह ब्रश जैसे दांतों को, बस एक दिन में साफ कर देगा, कहते हैं रगड़ रगड़ का दांतों को ब्रश करेगा, चमका देगा एक दिन में दांतों को। उसके बाद उसने पिया दूध, दूध पीते हुए ऐसे नाक चढ़ा लिया था, मुँह बना बना कर जैसे तैसे करके दूध पी लिया। उसके बाद करा ऐसे तैयार। तैयार करते करते मैं इससे पेपर की भी तैयारी करवा रही थी, क्योंकि आज था इसका हिंदी ओरल, उसमें से पोएम सुनानी थी हिंदी की, तो हिंदी की पोएम मुझे सुना रहा था। और सुनाते सुनाते तैयार हो गई। तैयार होने के बाद मैंने कर दिया ऐसे बाय, आज जो बाहर ही खड़ा था तो बाहर से बाहर ही बैठ गया स्कूटी पर, और स्कूटी पर बाहर से बैठ कर अपना चला गया। उसके बाद मैं लग गई अपने काम पर। सबसे पहले करे मैंने बिस्तर ठीक, क्योंकि पहले उठ कर नाश्ते वास्ते बनाने में, सब तैयार करने में, देने में, चाय दूध देने में टाइम लग जाए, फिर बिस्तर बाद में तय करके रखूँ, इसलिए मैंने बिस्तर की तय बाद में करी। उसके बाद अपना खाने का इंतजाम करूँगी। 11:30 बजे हो जाएगी इसकी छुट्टी, तो जल्दी हो जाए पेपर, मैं तो जल्दी छुट्टी हो जाए, वैसे तो 1 बजे हो गई थी, पर अब जाए 11:30 बजे आ जाओ। उसके बाद मैंने लगाया कुकर को तला, क्योंकि आज बना रही हूँ मैं उड़द, शनिवार है तो शनिवार में उड़द ही बनाऊँ ज़्यादातर, इसलिए चूल्हे में जला ली आग, डाला पानी, रखते उड़द बनने। उड़द बनाते बनाते मैं बैठी देख रही थी, अकेले हाथ से ही हाथ से खा रही थी, हाथ से बना रही थी। यहाँ चावल भी रख दिए थे मैंने बनना, चावल इंडक्शन पर लाइट आ रही थी, तो मैंने सोचा इतने चावल इंडक्शन पर कोई बना लूँगी, भाप आ रही था, कुछ चमक ना रही है, साफ साफ बन रहे हैं, इसमें उबाल आ गया था चावलों को। चावल बनने के बाद मैंने थोड़ी सी करी घर की साफ सफाई, अपना झाड़ू वाड़ू लगाई, झाड़ू जल्दी जल्दी झाड़ू लगाने के बाद फिर उठाई चूल्हे की राख, चूल्हे की राख उठाती और ओके। अब उसके बाद उड़द चावल तो बन ही गए थे, उसके बाद अब मैं नहाऊंगी राख उठाने के बाद चौका चूल्हा चौका करके, और नहाने के बाद ही सेकूँगी मैं रोटी, क्योंकि अभी जंगल गए हैं भव्य को भी, स्कूल है भी, बच्चे को हारिए, बस नहाऊ को हो गई हूँ तैयार, और नहाने के बाद देख रही हूँ अपने आप को। बनाने के बाद मैंने रख डाल दिए हैं कपड़े मशीन में, और कुछ देर घुमाने के बाद कपड़े डाल दिए हैं धूप में, धूप बहुत तेज़ हो रही है, कपड़े एकदम सूख जाए हैं बस, इसलिए अपना जल्दी जल्दी डाल दिए, जो हो रही थी बहुत जल्दी, क्योंकि अभी तक मैंने रोटी नहीं सेकी थी। और बब्बे को गए हैं लेने स्कूल से, 11:30 बजने ही वाले हैं, बस 10 मिनट थी स्कूल हो रही है, तो अपना 10 मिनट पहले जामो लेना। और बस कपड़े डालकर मैंने जल्दी जल्दी सेकी रोटी, रोटी सेक ही रही थी तभी आवाज़ आई बाहर से कि मीत की आवाज़ आई बाहर से, मम्मी भव्य आ गया है। तो मैंने उससे दरवाज़ा खुलवाया कि खोल दे दरवाज़ा आ गया है, तो मैंने खोला दरवाज़ा, भव्य आया, मम्मी जा करी नमस्ते पहले, तो फिर करी अम्मा को जाकर और नमस्ते करता करता अपना खड़ा कर बताने लगा कि पेपर कैसा गया। और मैं लग गई फिर से अपने काम में, पहले साफ करी सलेब, साफ करी गैस, साफ करी, और साफ करने के बाद फिर था आखिरी काम पेट पूजा, इसलिए मैं बैठ गई खाना खाने के लिए। थोड़े से उड़द लिए, रोटी ली, गुड़ लिया, क्योंकि गुड़ वगैरह वैसे खाई नहीं जाती रोटी, और रोटी खाती खाती भी करती हूँ बाय बाय। और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है, अगर कोई कमी हो तो वो भी बता देना, उसे सही करने की कोशिश करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई कोई सब्सक्राइब कर ले और फिर अनसब्सक्राइब कर देता है, ऐसा मत करो। बस वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना ज़रूर। बाय बाय।